तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं करूँगी बर्दाश्त, तुम्हारे झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगी मैं। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम सच बताओगे? तुम अचानक वो उठाकर मेरी जिंदगी में क्यों आए और मुझे अपने सबऑर्डिनेट बनाया? ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें कोई हक नहीं। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। हया, क्या तुम इस बारिश में पैदल आई हो? हाँ। तुम जानते हो तुम एक कमजोर और बेहिस इंसान हो। अंदर चलो, यहाँ खड़े होना नहीं, ठीक नहीं करो। तुम सामने आते ही मुझे पुराने दिन याद दिला देते हो। मेरी बातों का जवाब दोगे? जो भी कहना सोच समझ कर कहना। फाइन, गलती हो गई मुझसे, मैं माफी मांगता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक भूल हो गई मुझसे, मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई और उस तकलीफ के लिए भी मुझे माफ कर देना। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मेरे साथ तुमने जो भी किया उससे तुम्हें फर्क नहीं। की थी कोशिश मैंने, की थी मैंने, तुम जानती हो। अपनी जिंदगी से नामो निशान मिटा दिया था। तुम वापस आ गए, मेरा चैन और सुकून बर्बाद कर दिया है तुमने। मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हो तुम। अच्छा, ऐसा लगता है तुम्हें? तुम क्यों आए? क्यों आए वापस? हया, चले जाओ मेरी जिंदगी से। तक अपने टारगेट के करीब नहीं पहुंच सकी हूं, तो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि कल होने वाले डिनर पर मैं नहीं आ सकूंगी। अब जानती हूं मैं कि मेरा यहां क्या मुकाम है और मेरी वहां पर गैर मौजूदगी में बातें बनेंगी। अगर तुम डाविंची और मिस्टर बुराक प्रॉफिट चाहते हैं अगले साल तक, तो आप लोगों को इस पार्टी से मुझे इजाजत देनी होगी। हाँ, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां देखना अच्छा लगेगा मुझे। तुम संभाल सकती हो। हाँ ठीक है। जिंदगी से दूर जाना इसे तो नहीं कहते? ऐसा ही होता है जब खोने को कुछ नहीं होता। ये गहरी बात कही है। तुम जानती हो मुझे। जानती हूँ। मुझे तुम्हारी स्टूपिड हरकतें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे जज्बे की दाद देनी बनती है। चलो, तुम्हें इतना तो पसंद है, इतना काफी है। तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने में कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आने लगा बुराक? हाँ, कहीं से तो शुरू करना ही होगा ना। मैं इस वक्त बहुत थकी हुई हूँ, ना ही बहस करने के मूड में हूँ और ना ही करना चाहती हूँ। ये तो अच्छा है, मुझे वजह मिल गई तुम्हें वापस घर ड्रॉप करने की सेफली। मुझे बाद में अफसोस होगा। ऐसा नहीं होगा। ध्यान से, सॉरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। हम कहीं रुक जाते हैं, तुम फुट मसाज ले सकती हो। नहीं, घर पर रहना, वो भी अकेले, मुझे बस इस वक्त ये चाहिए। प्रोजेक्ट बी के साथ? नहीं, मुझे यहाँ साइट पर ड्रॉप कर दो। सॉरी, नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे कि तुम्हें अभी लॉन्ग ड्राइव पर जाना अच्छा लगता है? कई सालों से तो नहीं गई मैं, आई डोंट नो, उस वक्त इमैच्योर थी मैं। हम दोनों, हम बच्चे थे।
वक्त भी कितना अजीब होता है। वो कैसे? हर चीज कर सकता है ये। समटाइम्स आपके सारे जख्म भर देता है। कभी कभार ये जख्मों को गहरा कर देता है। क्या ये मोमेंट याद रखें? नो। क्यों? नहीं। बस जो याद है वो काफी है। हाइपोथेसिस का स्क्वायर दूसरी तरफ के स्क्वायर के टोटल के बराबर है, और अगर ये मान लें तो फिर मैं कहूंगी तो ये तो पाइथागोरम थ्योरम है। और फिर तुम कहोगे कि हमेशा क्यों जीत जाती हो। ऐसा ही है ना। हे बुराक, सोए रहो मेरी जान। दोबारा सो गया था मैं। तुम सो गए, थके हुए हो, और मैं तुम्हें देख रही थी सोते हुए। मैं फेल हो जाऊंगा। मेहनत कर तो रहे हो, पास हो जाओगे। तुम क्या कर रही थी? पाइथागोरियम थ्योरम। बस यही रह गया करने के लिए। Let me close to you, even though my reach is high, if only I could do the things that won't make you cry. You don't know what I lose for us to be alarmed. Yeah, the talk of the past to catch up to you and I. After all, they call me a murderer.